अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक फेसबुक आईडी को अपने सीएनएसी के साथ रजिस्टर करने के ऊपर है, ताकि हम अपना अकाउंट हमेशा के लिए सिक्योर कर सके। तो पहले की तरह टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधा वीडियो की तरफ आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने अपना फेसबुक ऐप ओपन करना है, और जैसे आप ऐप ओपन करेंगे तो राइट साइड पर आपको ये जो आपका डीपी नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इस डीपी पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आपने क्लिक करना है। और जैसे आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे सेटिंग नज़र आ जाएंगे। आपने बाकी सारे चीज़ें छोड़ के जस्ट सेटिंग पर क्लिक करना है, और सेटिंग में अंदर बहुत सारे सेटिंग और भी मौजूद है, तो आपने ये सारे चीज़ें इग्नोर करके पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में इधर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने आइडेंटिटी कंफर्मेशन पर क्लिक करना है। आप आइडेंटिटी कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे, आपको कंफर्म योर आइडेंटिटी नज़र आ जाएगा, तो आपने सिंपली कंफर्म योर आइडेंटिटी पर क्लिक करना है। इधर आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं, हमें और दो ऑप्शन नज़र आने लगे, तो आपने रनिंग एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिसीज, सॉरी पॉलिटिक्स पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपने इधर सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, आपको इसी तरह इंटरफेस शो हो जाएगी। तो आपने सिंपली उधर सर्च करना है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आपने सिंपली उस कंट्री को सर्च करना है। तो मैंने पाकिस्तान सर्च किया और इसको मैंने ओके पर क्लिक किया। तो फ्रेंड्स, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, इधर आपने यस कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और इस स्क्रीन में भी आप पर्सनल आईडी पर क्लिक करना है। तो इधर आपसे आईडी मांग रहा है, चूज हाउ टू कंफर्म योर आइडेंटिटी, अपलोड योर आईडी। तो आपने अपलोड योर आईडी को चेक करना है, और इसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इधर बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, पासपोर्ट है, तो आप पासपोर्ट के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इधर नीचे अगर आप शो मोर पर क्लिक करेंगे, तो ये बहुत सारे आइडेंटिटी के ऑप्शन है, जो चीज़ आपके पास मौजूद है आप इससे रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास नेशनल आईडी कार्ड है, तो मैं नेशनल आईडी कार्ड पर क्लिक करूंगा, और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और इधर एलो ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरह वाइल यूजिंग द ऐप पर आपने क्लिक करना है, और अपना आईडी को आपने इसी तरह स्कैन करना है। इसके बाद आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपने फिनिश पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मज़ीद इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखें। शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।